हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मैथ सॉल्यूशन पे। और आज के इस वीडियो में साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने दो मेथड्स पढ़े थे साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहला था आपके पास मेथड ऑफ एलिमिनेशन, दूसरा था मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये चार क्वेश्चंस हैं, जिसमें दो क्वेश्चन तो ऑलरेडी सॉल्व है, 2018 में क्रैश कोर्स में कराया था। एक ये क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो आप इनको सॉल्व करें या फिर मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन से पहला, और दूसरा जो है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से। तो एक क्वेश्चन करते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन पे और एक क्वेश्चन करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पे। तो पहला क्वेश्चन करता हूं मैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन पे। देखिए, जहां पे आपके पास अगर टी का फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है, टी का फंक्शन अगर नहीं रहेगा मतलब क्या, पी आई का पार्ट नहीं होगा। आप क्वेश्चन जब आगे जाएंगे तो क्या होगा, जब सी एफ और पी आई का कॉन्सेप्ट आने वाला होगा तो वहां पे पी आई का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए, टी का फंक्शन नहीं है मतलब पी आई का पार्ट नहीं आएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, ओके। और इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में टी का फंक्शन है मतलब इसमें पी आई का कॉन्सेप्ट आएगा, सी एफ तो आएगा ही इसमें भी, बट पी आई नहीं आएगा। और इसमें पी आई आएगा और सी एफ भी आएगा, ठीक है, जब इक्वेशन एक्स वाई फाइंड करेंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सेकेंड सॉल्यूशन। और यहां पर मैंने बताया था कि डी अपॉन डी टू को किससे डिनोट करना है, डी से, याद मत रखिएगा। डी अपॉन डी एक्स को वहां पर डिलीट किए थे, ठीक है, सीएफ और पीआई की जगह पे। यहाँ पर डी अपॉन डी टी को लेट किया जा रहा है, तो इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। जहां भी होगा वहां बता देंगे फिर से। देखिए सोल्यूशन टू, पहले क्या करेंगे, ये आपके पास दो इक्वेशंस, दो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, ओके। तो इसको पहले क्या करें, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ले। वहां भी सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा होगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, है ना। डी अपॉन डी को क्या पुट करेंगे, डी पुट करेंगे। तो करने वाले ये है, देखिए पहले तो आप लिख लें द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म बोले तो डी के फॉर्म में लिखना है आपको। तो डी अपॉन डी को, डी टी को क्या पुट करेंगे, डी से। और ये एक्स है ना, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो इसमें कॉमन लेते हैं एक्स। तो डी माइनस सेवन इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको, ठीक है। मैंने बताया था ना कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो एक्स वाई का फंक्शन होगा और राइट साइड में टी का फंक्शन है, तो टी का फंक्शन नहीं है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा आपका। तो डी माइनस सेवन इंटू एक्स, एक क्या है प्लस का वाई इक्वल टू जीरो, पहला इक्वेशन लेट कर ले इनको, ठीक है। फिर दूसरा इक्वेशन क्या है, डी वाई अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी को क्या लेट किए हैं, डी। और माइनस ये वाई वाला पार्ट है, तो वाई वाला इससे कॉमन लेंगे, माइनस फाइव हो जाएगा, और इंटू वाई है तो इंटू वाई लिख दिए। और ये प्लस माइनस माइनस टू एक्स है तो माइनस टू एक्स लिख दिए, इक्वल टू जीरो, इक्वेशन टू हो जाएगा, ठीक है। दो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर है, मतलब लीनियर है तो मतलब क्या कि इसका ऑर्डर और डिग्री वन वन का होगा, ठीक। तो दो इक्वेशन है, आपको क्या फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू और y का वैल्यू। अगर सिंपल रहे कि द सॉल्व द सिमल्टेनियस इक्वेशन, मतलब यहाँ पे x और y निकालना है, और किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट जब क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि पर्टिकुलर ये मेथड से बनाना है, तो फिर उस मेथड से बनाएंगे आप, ठीक है। या ये भी क्वेश्चन आता है कि सिंपल y फाइंड करें, तो क्या करेंगे, x को एलिमिनेट कर देंगे आप, तो y निकल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो यहीं पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। अगर y पूछे तो x को एलिमिनेट करेंगे, अगर अगर x पूछा तो y को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से क्या करते हैं, देखिए इस इक्वेशन को मेथड ऑफ एलिमिनेशन से बनाने वाले हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। तो एक को तो एलिमिनेट कर देंगे, तो मान लो कि x को एलिमिनेट करना है, ये माइनस का है और ये प्लस का है,
ये एक्स है, ये एक्स है, इसमें देखिए डी माइनस सेवन वाला टर्म है, इसमें सिर्फ टू है, ठीक है। तो इसमें ऐसा करते हैं कि ये वाला इक्वेशन टू है उसको डी माइनस सेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें जो है इक्वेशन वन में टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म सेम हो जाएगा एक्स वाला पार्ट, और इससे क्या होगा आपका ये कैंसिल होकर के आपका टर्म जो होगा वो वाई के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो उससे आपका वाई का वैल्यू निकालेंगे, फिर एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो करते हैं, देखिए ऑपरेशन क्या होने वाला है, ऑपरेशन इक्वेशन वन में, इक्वेशन वन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू से, और ये इनका साइन प्लस का है, इसका माइनस माइनस का है, तो दोनों क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, अगर दोनों प्लस का होता तो फिर माइनस साइन ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टू से किससे मल्टीप्लाई किए हैं, टू से, तो ये टू से हो गया, और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इक्वेशन टू को, इक्वेशन टू को डी माइनस सेवन से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई डी माइनस सेवन, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखिए टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू इंटू डी, यहां पे लिख देता हूं, देखिए किसे करना है, टू से, तो टू इंटू डी माइनस सेवन इंटू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, पहला इक्वेशन मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन ये है, इसमें किसे मल्टीप्लाई करना है, डी माइनस सेवन से, ये हो जाएगा d माइनस सेवन, पहले से क्या है d माइनस फाइव और है क्या y है, और माइनस का इससे इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, टू इंटू डी माइनस सेवन एक्स मिलेगा इक्वल टू जीरो, जीरो में जब d माइनस सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड में इसमें साइन चेंज नहीं होगा, अगर माइनस करते तो ये साइन चेंज हो जाता, तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास ये बच्चा, देखिए डी माइनस सेवन डी माइनस फाइव इंटू वाई प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, डी स्क्वायर, ठीक है, एक बार सेवन से करेंगे एक बार फाइव से करेंगे, तो सेवन डी और एक माइनस फाइव डी, तो कितना हो जाएगा, माइनस का ट्वेल्व डी आएगा, ठीक है, और सात पचे पैंतीस, तो थर्टी फाइव आ गया, ये किसका हुआ, y का प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। अब इसको क्या करेंगे, y को मान लेंगे, तो ये 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, तो d स्क्वायर माइनस 12d प्लस 37 y इक्वल टू जीरो। अब बताइए यहाँ पे d अपॉन dt क्या इंडिकेट कर रहा है, d क्या है, d अपॉन dt है, ठीक है, d क्या है, d अपॉन dt है। अब ये जो इक्वेशन है आपको वही सी एफ और पी आई के फॉर्म में निकल जाएगा, यहाँ पे क्या होता था, पी आई वाला पार्ट होता था, ई रेस टू टू एक्स, ई रेस टू ए एक्स, पॉलिनोमियल आता था, ट्रिगोमेट्रिक आता था, अभी क्या है, जीरो। तो इस केस में आपको पी आई जीरो निकलने वाला है, तो इनका जो इक्वेशन मिलेगा आपको सिर्फ सी एफ वाला पार्ट ही आंसर हो जाएगा, वाई इक्वल टू सिर्फ सी एफ, सिर्फ सी एफ का कैलकुलेशन करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से सी एफ और पी आई का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते थे। सी एफ और पी आई में क्या करते थे, सी एफ के लिए एक्सिलरी इक्वेशन को जीरो पुट करते थे और डी के जगह पे एम पुट करते थे। तो चलिए फोर सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ के लिए क्या हो जाएगा, देखिए पुट कर दीजिए डी के जगह पे एम, एम पुट करेंगे और क्या करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन जो है आपका वो जीरो पुट कर देंगे, ठीक है, जीरो होता ही एक्सिलरी इक्वेशन, क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एम प्लस थर्टी सेवन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब कैसे इनको सॉल्व किया जाए, तो ऐसा कीजिए, एक तो आपके पास ऑप्शन है कि एम का वैल्यू निकाले डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, ठीक है, वहां से अल्फा बीटा मतलब एक्स का दो वैल्यू आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। दूसरा मेथड ये है, सिखा दे रहा हूँ, देखिए सही से देखिएगा, एम स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एम, इनको मैं 36 लिख सकता हूँ और प्लस वन इक्वल टू जीरो, देखिएगा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पे इनको ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, एम स्क्वायर माइनस टू इंटू सिक्स, टू इंटू एम है वन इंटू कितना का सिक्स का बन रहा है, मतलब ए इंटू बी का फॉर्म में, मतलब एम माइनस सिक्स का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, एम माइनस सिक्स का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा एम माइनस सिक्स का होल स्क्वायर, और ये जब वन राइट साइड जाएगा तो माइनस वन, और माइनस वन की जगह पे क्या करेंगे,
आई स्क्वायर पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर, ठीक है। जब ये स्क्वायर जाएगा आपका राइट साइड तो वो प्लस माइनस का आ जाएगा, एम माइनस सिक्स इक्वल टू प्लस माइनस आई आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस आई, और ये जो सिक्स राइट साइड जाएगा तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिक्स प्लस माइनस आई, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये अल्फा प्लस माइनस बीटा आई के फॉर्म में आया, तो इनका सी एफ कैसे निकालते थे आप बताइए, सी एफ, तो सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ बताइए क्या हो जाएगा, ई रेस टू, ई रेस टू अल्फा, अल्फा की जगह पर क्या है सिक्स, और यहाँ एक्स होगा टी होगा, टी होगा क्योंकि वहां पे क्या था डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या है टी है, तो टी ले, यहाँ पे टी करना पड़ेगा आपको, ई रेस टू अल्फा टी इंटू सी वन कॉस बीटा, बीटा की जगह पर क्या है वन, तो वन की जगह पे वन करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बीटा और यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स या टी, टी लिखेंगे, वहां पे टी लिखते थे, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है वन है और टी का फंक्शन है, तो टी को डी अपॉन डी टी को डी से रिप्रेजेंट किए तो टी लिखेंगे, प्लस सी टू, सी टू साइन टी, ठीक है। तो ये आपका सी एफ निकल गया, और पी आई का पार्ट क्या है, पी आई का पार्ट तो जीरो हो गया, तो पी आई यहां से क्या निकलेगा जीरो, तो आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू आपको दिख रहा है क्या, एक मिनट, अब यहां पे डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, ये आपको कौन सा मिटाऊं, चलिए ये देखिए इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन जो होगा, नाउ नाउ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ क्या निकला, ई रेस टू सिक्स टी इंटू सी वन कॉस टी प्लस सी टू, सी टू साइन टी, तो ये आपका क्या निकला, y का वैल्यू निकला, ठीक है। अब यहां से आंसर y हो जाएगा, अगर सिर्फ y निकालना होता तो, ठीक है, बट इसमें इक्वेशन मतलब क्या होता है, कोई भी सॉल्व करेंगे तो x भी निकालना पड़ता है y भी निकालना पड़ता है, तो अब x निकालेंगे, ठीक है। तो अब x निकालने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, t के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद आप क्या करेंगे, डीवाई डी टी मिल जाएगा, और इस वाले इक्वेशन में रख देंगे तो एक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप कर सकते हैं, देखिए अब इनको मैं क्या करता हूं, इनको रफ कर दूं क्या, देन फिर आगे फर्दर कर लेंगे, ये इक्वेशन है ही अपने पास, ये इक्वेशन है, इस वाले को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यूज आने वाला है, चलिए, या फिर मैं इनको, इनको क्या करता हूं मिटा दे रहा हूं, आप इस इक्वेशन को याद रखेंगे कि आपका इक्वेशन जो है ये पहला, दूसरा इक्वेशन है और ये पहला इक्वेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिख लिए थे नीचे, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए अब ये करने वाले हैं कि ये इनको इक्वेशन थ्री लेट कर ले, इक्वेशन थ्री डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीवाई डी टी, डीवाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये क्या बन गया, यू और भी का फॉर्म में है, इनका अलग और इनका अलग हो जाएगा, क्या होता है पहले एक को छोड़े दूसरा को डिफरेंशिएशन, सिक्स टी फिर इस पर डिफरेंशिएशन कर दे, सी वन कॉन्स्टेंट है ना, कॉस का क्या होता है माइनस का साइन टी, तो माइनस साइन टी, ठीक है, और प्लस सी टू कॉन्स्टेंट है, साइन का क्या हो जाएगा कॉस टी, ठीक है, तो ये मिल गया, और प्लस अब भी को इसको छोड़ के इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये पहले यही रहने दें इनको, सी वन कॉस टी प्लस सी टू साइन टी, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका, तो इसका ई रेस टू एक्स होता, तो ई रेस टू
60 ही लिखते हैं, बट ये भी फंक्शन है तो इनका भी डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन 60 का क्या हो जाएगा 6, तो आपके पास ये dy dt निकला। अब dy dt का वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, है ना, 2 से, है ना। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू ऑफ dy dt, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dt, ठीक है। dy dt जब पुट कर देंगे यहां से तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, तो बताइए y जो होगा आपका y, ये 5y हो जाएगा, और ये 5 यहां से y का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, y इक्वल टू होगा ना, देखिए dy dt और ये -2x, ये राइट साइड जाएगा तो 5y आएगा, देखिए ये 5y होगा और ये dy dt अपॉन 2x हो जाएगा, और जब इनको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये y निकल जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में डायरेक्ट ऐसे करके निकाल सकते हैं dy dt, dy dt निकाल लिया मैंने, अब इस इक्वेशन में इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो dy dt क्या हो जाएगा, देखिए dy dt डायरेक्ट नहीं करता हूं, सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले क्या लिखेंगे, dy dt ये है e raise to 6t into minus c1 sin t प्लस हो जाएगा c2 cos t, ठीक है, और ये आपका बचेगा क्या चीज, 6 c1 cos t प्लस c2 sin t into e raise to 6t, ठीक है, और फिर -2x और -5y इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशंस को 5y को लेफ्ट साइड रखेंगे और इसको राइट साइड कर देंगे, ठीक। देखिए अब क्या है, यहां से आप x निकालना है आपको, ठीक है, और y का वैल्यू मिल चुका है, तो y का वैल्यू भी रखना पड़ेगा आपको, y की जगह पे क्या रखेंगे, y आपके पास मिल चुका है, y आपको क्या था, देखिए यहां से आपको y मिला था, y का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, y का वैल्यू देखिए ये वाला y का वैल्यू है ना, तो यहां से y का वैल्यू भी रखना पड़ेगा आपको, 5y है तो इस वाला ये वाला जो है एज ये आपको रखना पड़ेगा, 2 को भी यही रखने पड़ेगा, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा e रेस टू 60 इंटू c1 cos t प्लस c2, बहुत लंबा है, c2 sin t, तो यहां से आप क्या करेंगे, यहां से x निकाल लेंगे, यहां से x आप निकाल लेना, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, x का दोनों वैल्यू निकल दिया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक। रफ कर सॉल्यूशन करते हैं, देखिए इस इक्वेशन को क्वेश्चन नंबर 4, इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन करके, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म में करेंगे, तो डी अपॉन डी टी की जगह पर डी, तो ये हो जाएगा डी, और ये 5x है, 5x 5 को कॉमन लेते हैं x को, तो d प्लस 5 इंटू एक्स, इनको मैं किससे करने वाला हूँ, कौन सा मेथड से, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एक एलिमिनेशन वाला देख लिए, तो d प्लस 5 हो गया प्लस, या फिर इनको ऐसे ही रहने दो, पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिखो, सिर्फ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dx अपॉन dt प्लस 5x प्लस y इक्वल टू e रेस टू t, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ये है dy अपॉन dt माइनस x प्लस 3y इक्वल टू e रेस टू 2t, ये दूसरा इक्वेशन हो गया।
ठीक है, अब इनको मिटा दे रहा हूँ मैं, इनका कोई मतलब नहीं है, ये लिख लिए क्वेश्चन। अब देखिए, अब क्या मेथड बताए थे आपको कि एक इक्वेशन को, पहला वाला इक्वेशन को टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर ले, या फिर दूसरा को भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इक्वेशन वन को मैंने आपको जैसे बताया तो उसी टाइप से कर रहा हूं। तो इक्वेशन डिफ्रेंशिएटिंग, इक्वेशन वन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टू एक्स डी टी स्क्वायर प्लस फाइव डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ये होगा आपका डी वाई अपॉन डी टी, जब इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो यही रहेगा ई रेस टू टी। ठीक है, अब डी वाई अपॉन डी टी है तो अब देखिए इक्वेशन टू से आप इसका डी वाई बाई डी टी का वैल्यू निकालिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू पुट, ये इक्वेशन थ्री लेट कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ डी वाई डी टी इन इक्वेशन थ्री। डी वाई डी टी यहां से फाइंड करके किस में रख देंगे, थ्री में रख देंगे, तो डी वाई डी टी यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से डी वाई डी टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, डी वाई डी डी टी निकालेंगे तो आपको मिलेगा ई रेस टू टू टी और ये आपका प्लस एक्स माइनस थ्री वाई निकल जाएगा। तो इसमें रख देता हूं मैं, क्या हो जाएगा डी टू एक्स डी टी स्क्वायर प्लस फाइव डी एक्स अपॉन डी टी। अच्छा, ये जो डीवाई बाई डी टी जो है इसमें किसको इलिमिनेट किया जा रहा है, वाई को इलिमिनेट किया जा रहा है, सभी एक्स के फॉर्म में, तो एक्स का आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो डी टू एक्स डी टी स्क्वायर प्लस फाइव डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी के जगह पे क्या रखेंगे, ये वाला टर्म रख देंगे। ठीक है, ई पर पावर टू टी प्लस एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू ई रेस टू टी हो गया। ठीक है, देखिए अब फिर क्या करेंगे, डी टू एक्स डी टी स्क्वायर प्लस फाइव डी एक्स अपॉन डी टी, फाइव डी एक्स अपॉन डी टी, इसमें एक्स वाला पार्ट को रहने दे सिर्फ, प्लस एक्स माइनस थ्री वाई और ये जो टी का फंक्शन है उसको राइट साइड ले जाइए, ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू टू टी। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है, आप यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो अब क्या करने वाले हैं, डी अपॉन डी टी को डी और डी टू डी टी स्क्वायर को डी टू पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा डी टू और ये एक्स वाला पार्ट कर रहे हैं, देखिए एक्स वाला पार्ट कर रहे हैं तो एक्स समय कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा डी टू, ये हो जाएगा प्लस का डी प्लस का फाइव डी और इसमें आएगा वन प्लस का वन और एक एक्स आ जाएगा। ठीक है, और एक दूसरा जो है माइनस, अच्छा ये वाई के जगह पर फिर इसमें भी रख देंगे, वाई का वैल्यू कैसे आएगा, तो वाई का वैल्यू इलिमिनेट कैसे करेंगे, वाई हाँ यहाँ से वाई का वैल्यू डाल दें, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन वाई से यहाँ पे रखेंगे तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई रेस टू टी और माइनस डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी माइनस फाइव एक्स, तो यहाँ से भी ये वाई का वैल्यू, एक मिनट देखिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए था, एक्स माइनस थ्री वाई हो जाएगा, वैल्यू किसका पुट कर रहे हैं, डी वाई अपॉन डी टी का, डी वाई अपॉन डी टी यहाँ से रख दिए, चलिए थ्री वाई आ जाएगा, थ्री वाई इक्वेशन वन से वाई का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इस वाली जगह पे वाई के जगह पे क्या कर देंगे, ये वाला फ्रॉम इक्वेशन वन से वाई का वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखते हैं, देखिए माइनस थ्री इंटू वाई का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन वन से, क्या आने वाला है वाई का, ई रेस टू टी माइनस फाइव बाई एक्स
माइनस फाइव एक्स, माइनस फाइव एक्स और माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। यह आ गया माइनस फाइव डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू टू टी, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, ये करेंगे पहले देखिए डी टू, डी टू प्लस, डी टू प्लस फाइव डी प्लस वन इंटू एक्स इंटू एक्स, इनको अलग अलग लिखेंगे। देखिए ये वाला जब ले जाएंगे राइट साइड तो ये क्या हो जाएगा फोर ई रेस टू टी, और ये जब रखेंगे देखिए ये सिर्फ हाँ फोर रेस टू ई पावर टी माइनस ई रेस टू टू टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये राइट साइड होगा और लेफ्ट साइड क्या आएगा, ये माइनस माइनस थ्री, माइनस थ्री डी एक्स अपॉन डी टी, तो इनको मैं लिख सकता हूँ माइनस थ्री डी, माइनस थ्री डी इनके साथ लिख करके, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए ये जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस थ्री डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे तो आपको आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस एट डी, एट डी और एक आएगा पंद्रह, यह आ जाएगा माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस यहाँ पंद्रह आ जाएगा एक पहले से, तो सोलह हो जाएगा, तो सिक्सटीन इंटू एक्स, और ये जब राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा फोर ई रेस टू टी, फोर ई रेस टू टी माइनस माइनस ई रेस टू टू टी, ये है आपके पास वही वाला मिल गया इक्वेशन, जैसे आप सी एफ और पी आई का कॉन्सेप्ट जैसे पढ़ते थे सेम उसी तरह से है, ठीक है। तो डी स्क्वायर प्लस एट डी प्लस सिक्सटीन, ठीक है। अब देखिए इनको क्या लिख सकता हूं मैं, डी प्लस फोर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू एक्स इक्वल टू फोर ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू टू टी, ठीक है। अब यहाँ पे इनको इनको क्या करेंगे, फोर सी एफ एंड पी आई, सी एफ के लिए क्या करेंगे, ये आपको क्या कर देंगे एम स्क्वायर, मतलब डी को क्या करेंगे एम पुट कर देंगे, और डी प्लस एम प्लस एक्जुलरी इक्वेशन को जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। तो एम प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एम का दो वैल्यू आएगा माइनस टू और माइनस टू, दोनों सेम वैल्यू आएगा, तो यहाँ से सी एफ निकल जाएगा, सी एफ निकलेगा किसके टर्म में, टी के टर्म में, ओके। तो क्या निकलेगा, सी वन, सी वन प्लस सी टू एक्स ई रेस टू माइनस टू टी, तो ये सी एफ निकला। और पी आई कैसे निकालेंगे, फोर फोर पी आई, पी आई के लिए क्या करेंगे, ये दोनों क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो पी आई हो जाएगा डायरेक्ट, इनका लिख दे रहा हूँ वन ऑफ वन फंक्शन ऑफ डी, डी डी की जगह क्या पुट करते हैं ए पुट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा वन प्लस फोर का होल स्क्वायर, कंबाइंड कर दे रहा हूँ मैं, तो डायरेक्ट हो जाएगा वन प्लस फोर का होल स्क्वायर, और है क्या चीज़ बताइए, वन प्लस फोर, फोर पहले से है तो फोर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इंटू ई रेस टू टी, ये आपका पी आई निकल गया इस वाला पार्ट का, और माइनस ई रेस टू टू टी अपॉन, यहाँ पे एक जगह भी क्या पुट कर देंगे, टू पुट कर देंगे, तो डी प्लस मतलब ए प्लस क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, मतलब टू प्लस, टू प्लस फोर मतलब टू प्लस फोर का होल स्क्वायर, तो ये पी आई निकल गया, पी आई इक्वल टू फोर ई रेस टू टी अपॉन वन प्लस मतलब वन प्लस फाइव, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव माइनस ई रेस टू टू टी, ये छः छत्तीस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पी आई निकला, तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, देखिए इनको मैं अब रफ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से जब आपके पास क्या मिला, तो सी एफ और पी आई को ऐड कर देंगे तो किसका आंसर मिलने वाला है आपको, एक्स का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो नाउ नाउ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या मिलेगा, सी एफ प्लस पी आई वाईक्वल टू सी एफ प्लस पी आई वाईक्वल, अच्छा ये वाई नहीं होगा बल्कि क्या होगा,
एक्स होगा, ठीक है एक्स, ठीक है एक्स, एक्स इक्वल टू क्या निकल गया, सी एफ प्लस पी एल, और सी एफ क्या है देखिए, सी वन प्लस सी टू एक्स ई रेस टू माइनस टू टी, और ये नहीं मिलेगा आपको, दोनों को ऐड कर दीजिए, फोर ई रेस टू टी अपॉन 25 माइनस ई रेस टू टू टी अपॉन 36, ये आपका एक्स निकला। अब चाहिए आपको वाई का वैल्यू, ये एक्स का वैल्यू निकल गया, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है एक्स तो ये सिर्फ यहां तक आंसर हो जाता, ठीक है। जब आपसे वाई पूछा जाए तो क्या करेंगे, इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, यहां से डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे आप, डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू, और किस में रख देंगे इक्वेशन, डी एक्स यहां से क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी, डी टी का वैल्यू निकालेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू निकालेंगे, देखिए डी एक्स अपॉन डी टी वाई, चलिए बिल्कुल सही है। जब आपको सिर्फ अब चाहिए वाई का वैल्यू चाहिए आपको ना, तो डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू निकालें और इस वाले इक्वेशन में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका वाई का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू क्या करेंगे आप निकाल देंगे, एक्स का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, एक्स का वैल्यू डाल देंगे ये वाला, और फिर डी एक्स अपॉन डी टी पे ये रख देंगे, तो आ जाएगा आपके पास किसका, वाई का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये फाइंड कर लेना, ओके चलिए, तो ये आपका यूनिट खत्म हो जाता है यहीं पे, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब नेक्स्ट जो होगा आपका यूनिट वो देखते हैं कौन सा स्टार्ट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें एनालिटिक फंक्शन वगैरह आता है, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा कौन सा आपको चैप्टर चाहिए अब, ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, टेक केयर, बाय बाय।